इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल इसके जैसा है, सेम टू सेम वही चीज़ मालूम करने से आपको वर्ण वो अल्फ़ाबेट चेंज कर दिए हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करवा रही, अब 4 पे स्टार्ट कर रही हूँ मैं। इफ़ क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, वैल्यू मालूम करनी है -1 अपॉन क्यू इसकी। क्यू गिवन है, 1 अपॉन क्यू हमें चाहिए, इसी को ऐसे कर देंगे अपॉन में तो ये 1 अपॉन क्यू की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वैल्यू अभी आई नहीं है। रेशनलाइज करेंगे इसको, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम वैल्यू बट साइंस अपोजिट होंगी। मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यही आएगा। अगर मैं डायरेक्ट कर दूं अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट मैं नहीं करूंगी, बच्चों को मुश्किल होगी। प्लस माइनस माइनस, अब 2 में से -3 हम कैसे करेंगे, तो -1 बचेगा, इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 3, ये आया 1 अपॉन क्यू। हमें अब चाहिए क्यू -1 अपॉन क्यू, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है हमसे। अब क्यू -1 अपॉन क्यू के लिए हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी जो कि ये है, इस माइनस का माइनस लगा दिया हमने, और 1 अपॉन क्यू हमने खुद निकाला है ये -√2 प्लस √3। माइनस माइनस प्लस 2, माइनस प्लस माइनस 3, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ये दो सेम है, हम इसे कॉमन डायरेक्ट नहीं ले सकते, साथ में इसके क्या है 1 और 1 हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। क्यू माइनस वन अपॉन क्यू आपके पास आ गया, हम इसी की स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स पर कर देंगे तो हमें क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। फार्मूले से बोलेंगे ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर ये -2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए क्यू है बी 1 अपॉन क्यू है, जो कि खुद बहुत कैंसिल हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, इससे ये कैंसिल, 2 यहाँ बच जाएगा। फोर टू ज़ा 8, क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 8, ये -2 यहाँ पे जाके +2, एट प्लस 2 10 आंसर, यानी क्यू प्लस क्यू -1 अपॉन क्यू की वैल्यू आपके पास ये आई थी और प्लस की आंसर ये आ गया है।